नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच आयकर विभाग की टीम ने AIADMK यानी अन्ना द्रमुक विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर अलग राशामी के घर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान IT टीम ने विधायक के घर से 1 करोड़ रुपये कैश बरामद किया है। बता दें कि अलग राशामी पिछले 8 साल से विधायक के ड्राइवर हैं। IT अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई रकम 500 रुपए के नोट के रूप में इकट्ठा की गई थी। टीम ने कार्रवाई उस सूचना के बाद की जिसमें बताया गया था कि चुनाव के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया है। सूचना मिलने के बाद टीम ने विधायक के ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। रविवार सुबह से शुरू की गई सर्च में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने विधायक के ड्राइवर अलगार शराय के यहां से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। AIADMK के विधायक आर चंद्रशेखर तमिलनाडु के त्रिची जिले में मन्नापराई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मरिथानिया मक्कल काची यानी MKM के प्रदेश महासचिव पी अब्दुल समद चंद्रशेखर के खिलाफ द्रमुक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि इससे पूर्व तमिलनाडु में AIADMK नेता की कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने पेट्टावेथालाई ब्रिज पर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की थी। कार कथित तौर पर मुसरी से पार्टी के मौजूदा विधायक सेल्वराज की बताई गई थी। सेल्वराज को इस चुनाव में भी AIADMK ने इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। कार सवार लोगों से जब नोटों के बंडलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं पिछले हफ्ते भी श्री बिल्ली पुथुर विधानसभा क्षेत्र से भी एक वाहन से करीब 3.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जब्त की गई थी। बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा जबकि 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बार सिर्फ एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 2016 में AIADMK ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 136 सीटों पर अपना परचम फहराया था। वहीं DMK 98 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की सियासत काफ़ी बदल गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।